टैक्सहिल.com के YouTube चैनल पर मैं सी एस सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं GST न्यूज़ पार्ट 271। इस GST न्यूज़ के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि GST एक्ट के अंतर्गत गुड्स और डॉक्यूमेंट को कब और कैसे सीज किया जा सकता है। GST एक्ट के अंतर्गत सीजर का क्या मतलब है। GST एक्ट के अंतर्गत सीजर को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन यदि हम लॉ लेक्सिकन डिक्शनरी को देखते हैं तो उसमें सीजर का मतलब बताया गया है। सीजर का मतलब है कि जब लीगल प्रोसेस के द्वारा कोई ऑफिसर किसी की प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लेता है तो उसे सीजर कहा जाता है। नॉर्मली सीजर जो है ओनर की विशेज के कॉन्ट्रेरी होता है, यानी कि ओनर प्रॉपर्टी को देना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी जो ऑफिसर है वो प्रॉपर्टी को सीज कर लेता है। सीजर और डिटेंशन में क्या फ़र्क है। डिटेंशन के अंदर एक लीगल ऑर्डर और नोटिस पास किया जाता है जिसमें कि जो ओनर है प्रॉपर्टी का उसे एक्सेस डिनाई कर दिया जाता है, यानी कि वह प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकता है। सीजर करते हुए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गुड्स का एक्चुअल पोजेशन जो है वो टेक ओवर कर लेता है। डिटेंशन ऑर्डर तभी पास किया जाता है यदि गवर्नमेंट को शक है कि किसी गुड्स को जब्त करना है, तो उस केस में डिटेंशन ऑर्डर पास किया जाता है। लेकिन सीजर का जो ऑर्डर है वो पास करने के लिए गवर्नमेंट के पास रीजनेबल बिलीफ होना चाहिए और इसके लिए इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और जब यह पता लगता है कि गुड्स को कॉन्फिस्केट करना है यानी कि जब्त करना है, तो ही सीजर का ऑर्डर जो है उसके बाद पास किया जाता है। GST एक्ट के अंतर्गत किस चीज़ को सीज किया जा सकता है। यदि प्रॉपर ऑफिसर को इंस्पेक्शन के दौरान या फिर किसी और वजह से यह पता लगता है और उसके पास रीज़न है ये बिलीव करने के कि आपके गुड्स को जो है जब्त किया जाना है, या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को बुक्स को जो कि उसके ओपिनियन में किसी भी प्रोसीडिंग के लिए यूजफुल हो सकती है किसी भी जगह पर छुपाई गई है, तो वह ऑथराइज कर सकता है CGST, SGST या फिर UTGST ऑफिसर को के किसी भी गुड्स को डॉक्यूमेंट को बुक्स को या थिंग्स को सर्च करें और सीज करें। GST एक्ट के अंतर्गत सीजर कौन कर सकता है। GST एक्ट के अंतर्गत सीजर प्रॉपर ऑफिसर जो कि ज्वाइंट कमिश्नर के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, वह ऑथराइज कर सकता है किसी भी ऑफिसर को जो कि उसके सबॉर्डिनेट में है कि वह इंस्पेक्शन करे, सर्च करे और सीजर करे गुड्स की, डॉक्यूमेंट की, बुक्स की या फिर किसी भी और चीज़ की। इसके लिए वह ऑथराइजेशन GST INC 01 फॉर्मेट में इशू करेगा। यह है GST INC 01 फॉर्म, यानी कि इंस्पेक्शन या फिर सर्च के लिए ऑथराइजेशन देने के लिए फॉर्म। यहाँ पे नेम एंड डेजिग्नेशन होगा ऑफिसर का और यहाँ पे यह लिखा जाएगा कि किस पर्संस की सर्च करनी है या फिर इंस्पेक्शन करनी है और उसका कारण क्या है। यहाँ पे दिए गए हैं, आप अपने स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं किस सेक्शन के अंदर ये पावर एक्सरसाइज की जा रही है। सेक्शन 67(1) या फिर सेक्शन 67 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत, वह भी टिक करना है। उसके अलावा ये लिखा जाएगा कि ये जो इंस्पेक्शन या सर्च के लिए ऑथराइजेशन है किस दिन दी जा रही है, कितने दिन के लिए वैलिड है। इसके बाद नेम एंड डेजिग्नेशन दिया जाएगा इंस्पेक्शन ऑफिसर्स का। यहाँ पे यदि किसी गुड्स को GST एक्ट के अंतर्गत सीज किया जाना है तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा। इस केस में प्रॉपर ऑफिसर एक ऑर्डर पास करेगा सीजर का GST INC 2 फॉर्मेट में एज पर रूल 139 सब रूल 2 और CGST रूल 2017। यह है GST INC 02 का फॉर्मेट, यानी कि सीजर ऑर्डर। इसमें प्रॉपर ऑफिसर यह लिखेगा कि किस प्रीमिसेस का उसने इंस्पेक्शन किया है, जो विटनेस है यहाँ पे उनके नेम्स भी लिखे जाएंगे। इसके अलावा जो गुड्स को सीज किया गया है उनकी डिटेल यहाँ पे फिल की जाएगी। इसके अलावा कोई भी और जो बुक्स है, डॉक्यूमेंट्स है या फिर कोई भी और चीज़ जो सीज की गई है उसकी डिटेल भी यहाँ पे भरी जाएगी इस टेबल में। इसके बाद जो नेम एंड डेजिग्नेशन आएगा ऑफिसर का, उसके बाद जो विटनेस है उनके जो सिग्नेचर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे और नेम और एड्रेस जो है वो भरा जाएगा। यदि किसी गुड्स को GST एक्ट के अंतर्गत सीज किया जाता है तो जिस व्यक्ति के पास वह गुड्स होती हैं उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए आप रूल 139 सब रूल 3 को रेफर कर सकते हैं, जो कि यह कहता है कि प्रॉपर ऑफिसर जो है गुड्स की कस्टडी किसी व्यक्ति को भी दे सकता है और वह उस गुड्स को जो है सेफ रखेगा और ना ही उन गुड्स को रिमूव कर सकता है, ना ही उन गुड्स के अंदर डील कर सकता है। यदि वह ऐसा करना चाहता है तो उसे ऑफिसर की परमिशन लेनी होगी। यदि किसी गुड्स को
सीज नहीं किया जा सकता जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, तो क्या किया जा सकता है? इसके लिए भी जीएसटी एक्ट के अंदर प्रोविज़न दी गई है जो कि यह कहती है कि यदि किसी गुड्स को सीज करना प्रैक्टिकेबल नहीं है तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर को प्रोहिबिशन ऑर्डर पास करना होगा INC 03 फॉर्मेट में, जिसके द्वारा कि वह जो कस्टोडियन है उन गुड्स का या फिर जो ओनर है उसे यह कहेगा कि वह उन गुड्स को रिमूव नहीं कर सकता है, ना ही उन गुड्स के अंदर डील कर सकता है। यदि वह ऐसा करना चाहता है तो उसे प्रॉपर ऑफिसर की प्रीवियस परमिशन लेनी होगी, यानी कि पहले परमिशन लेनी होगी। यह है GST INC 03 फॉर्मेट, यानी कि प्रोहिबिशन ऑर्डर, जिसमें के प्रॉपर ऑफिसर यह लिखेगा कि नेम क्या है व्यक्ति का एंड GST नंबर क्या है, और विटनेस के जो नेम एंड एड्रेस हैं वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। इसके अलावा जिन गुड्स के लिए प्रोहिबिशन ऑर्डर पास किया जा रहा है उनके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो एंटर की जाएगी। इसके बाद जो विटनेस है उनके नेम एंड एड्रेस भरे जाएंगे और जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे लिए जाएंगे। यदि गुड्स को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सीज किया जाता है तो इन्वेंट्री को कौन साइन करेगा? इसके लिए भी जीएसटी एक्ट के अंदर प्रोविज़न दी गई है, यानी कि जो ऑफिसर गुड्स को सीज कर रहा है वह इन्वेंट्री प्रिपेयर करेगा कि कौन से गुड्स, डॉक्यूमेंट और बुक्स जो हैं वो सीज की गई हैं, और इस इन्वेंट्री को वह व्यक्ति साइन करेगा जिससे कि यह गुड्स, डॉक्यूमेंट, बुक्स या फिर कोई भी और चीज़ जो है वो सीज की गई है। यदि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत किसी डॉक्यूमेंट को या फिर गुड्स को सीज किया गया है तो उसे जीएसटी ऑफिसर कितने टाइम तक अपने पास रख सकता है? इसके लिए जीएसटी एक्ट के अंदर प्रोविज़न दी गई है जो कि यह कहती है कि किसी भी इंक्वायरी या प्रोसीडिंग के एग्जामिनेशन के लिए यदि किसी गुड्स, डॉक्यूमेंट या बुक्स की ज़रूरत होती है तो जब तक यह एग्जामिनेशन चल रहा है उतनी देर तक इन गुड्स या जो है थिंग्स उसे सीज किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी नोटिस को इशू करने के लिए प्रॉपर ऑफिसर किसी डॉक्यूमेंट, बुक्स के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा है तो जब नोटिस इशू करेगा उसके 30 डेज़ के अंदर वह इन चीज़ों को जो है वो रिटर्न कर सकता है। प्रॉपर ऑफिसर इस सेक्शन के लिए एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स है। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सर्च और सीजर करने के लिए पावर किस ऑफिसर को दी गई है? जीएसटी एक्ट के अंदर सर्च और सीजर का ऑर्डर इशू करने की पावर और जो सीज गुड्स यानी रिलीज करने की पावर एडिशनल कमिश्नर एंड ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स को दी गई है एज पर सर्कुलर नंबर 3/2017 जीएसटी। यदि कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंदर सीजर करता है तो उसके पास क्या पावर होती हैं? इसके लिए आप सेक्शन 67 सब सेक्शन 4 को रेफर कर सकते हैं जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रीमिसिस का, अलमीरा का, बॉक्स का या फिर गोदाउन का एक्सेस डिनाई करता है तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर के पास यह पावर हो सकती है कि वह उसको सील कर सकता है या फिर उसके जो दरवाजे हैं उसे तोड़ के खोल सकता है। इसी प्रकार ही बॉक्स और अलमीरा जो है उसके ताले तोड़ सकता है जिसमें कि कोई भी जो गुड्स है, अकाउंट, रजिस्टर या फिर डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति के डॉक्यूमेंट जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सीज किए जाते हैं तो उस केस में उस व्यक्ति के क्या अधिकार हैं? इसके लिए आप सेक्शन 67 सब सेक्शन 5 को रेफर कर सकते हैं जो कि यह कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की कस्टडी से कोई डॉक्यूमेंट सीज किया जाता है तो वह व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट की कॉपी या फिर एक्सट्रैक्ट ले सकता है। लेकिन यदि प्रॉपर ऑफिसर को यह लगता है कि आपको कॉपीज या फिर एक्सट्रैक्ट देने से इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग इफेक्ट हो सकती है तो उस केस में वे आपको मना भी कर सकता है। इस सेक्शन के लिए प्रॉपर ऑफिसर एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स है। यदि गुड्स को सीज किया जाता है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत तो उसे किस प्रकार रिलीज करवाया जा सकता है? इसके लिए आपको जो गुड्स की वैल्यू है उसके इक्विवेलेंट बॉन्ड देना होगा। इसके लिए फॉर्मेट दिया गया है GST INS 4। इसके अलावा आपको बैंक गारंटी भी देनी होगी जो कि एप्लीकेबल टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी के इक्विवेलेंट हो सकती है, या फिर आप टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी की पेमेंट करवाने के बाद भी गुड्स को प्रोविजनल बेसिस पर रिलीज करवा सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेबल टैक्स का मतलब है कि स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो टैक्स लगता है वह टैक्स। यदि किसी व्यक्ति के गुड्स प्रोविजनली रिलीज की गई हैं तो जीएसटी ऑफिसर एक डेट दे सकता है जहां पे क्या गुड्स आपको प्रोड्यूस करनी होंगी। यदि उस दिन यह गुड्स प्रोड्यूस नहीं की जाती हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी है उसे इन कैश कर लिया जाएगा, और यदि गुड्स के लिए कोई टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी या फिर फाइन आपको पे करना है तो उसके अगेंस्ट यह अमाउंट एडजस्ट कर लिया जाएगा।
यदि गुड्स को सीज किया जाता है तो उसको कब रिटर्न भी किया जा सकता है, इसके लिए भी जीएसटी एक्ट के अंदर जो है वो प्रोविज़न दी गई है, जो क्या कहती है कि यदि किसी व्यक्ति से गुड्स को सीज कर किया गया है और उसके लिए नोटिस जो है 6 महीने के अंदर इशू नहीं किया गया है सीज़र के, तो उस केस में गुड्स को रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो 6 महीने का पीरियड है, यदि सफिशेंट कॉज है तो इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा और 6 महीने के लिए। इस केस में जो प्रॉपर ऑफिसर है वो प्रिंसिपल कमिश्नर ओब्लिक कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स है। यदि कोई गुड्स पेरिशेबल या फिर हजार्डस नेचर की है तो उस केस में उसे सीज किस प्रकार किया जाएगा, इसके लिए भी जीएसटी एक्ट के अंदर प्रोविज़न दी गई है, जो कि यह कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को यदि लगता है कि कोई गुड्स पेरिशेबल या फिर हजार्डस नेचर की है या फिर जिसकी के वैल्यू टाइम बीतने के बाद कम हो जाती है, या फिर यदि उन गुड्स को रखने के लिए गवर्नमेंट के पास स्टोरेज स्पेस नहीं है या फिर किसी भी और रेलिवेंट कंसिड्रेशन के कारण, तो उस केस में जो प्रॉपर ऑफिसर है वह ऑर्डर पास कर सकता है कि गुड्स को सीज करने के बाद इमिजिएटली डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। यदि गुड्स पेरिशेबल और हजार्डस नेचर की है तो उस केस में जो प्रॉपर ऑफिसर है वह उन गुड्स की इन्वेंट्री बनाएगा, इसके लिए जो प्रॉपर ऑफिसर है वो एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स है। यदि गुड पेरिशेबल या फिर हजार्डस नेचर की है तो उस केस में टैक्सेबल पर्सन जो गुड्स का मार्केट प्राइस है उसके इक्विवेलेंट अमाउंट पे कर सकता है, या फिर जो अमाउंट टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी का है वह इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम है वह पे कर सकता है। और उस केस में जो जीएसटी ऑफिसर है वह रिलीज ऑर्डर पास करेगा, इसके लिए फॉर्मेट GST IN C 05 प्रिस्क्राइब किया गया है। यदि इस केस में व्यक्ति जो अमाउंट है वो पे नहीं करता है तो उस केस में कमिश्नर उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, और जो अमाउंट है वो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी और जो दूसरा अमाउंट पे करना है उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता है। यह है GST IN C 05 फॉर्मेट, यानी कि यदि गुड्स पेरिशेबल या फिर हजार्डस नेचर की हैं तो उस केस में रिलीज ऑर्डर किस प्रकार पास किया जाएगा। यहाँ पे जो गुड्स सीज की गई हैं उन्हें मेंशन किया जाएगा और उसके बाद ये लिखा जाएगा कि जो गुड्स हैं वो पेरिशेबल और हजार्डस नेचर की हैं और जो टैक्स का अमाउंट है उसे पे कर दिया गया है, इसलिए इन गुड्स को जो है वो रिलीज़ किया जा रहा है। गुड्स को सीज करते हुए जीएसटी ऑफिसर के पास क्या पावर होती हैं, इसके लिए आप सेक्शन 67 सब सेक्शन 10 को रेफर कर सकते हैं, जो कि यह कहता है कि सर्च एंड सीजर से रिलेटेड जो पावर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को दी गई है वह सभी पावर कमिश्नर के पास आ जाएंगी। यदि आप कोई डॉक्यूमेंट जीएसटी ऑफिसर के सामने लेके जाते हैं तो क्या उसे भी जीएसटी ऑफिसर सीज कर सकता है? जी हाँ, इसके लिए भी पावर जीएसटी एक्ट के अंतर्गत दी गई है, जो कि यह कहती है कि यदि जीएसटी ऑफिसर के पास रीज़न है बिलीव करने के कि आप कोई टैक्स की चोरी कर रहे हैं या फिर चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट अकाउंट या फिर रजिस्टर आप जीएसटी ऑफिसर के सामने लेके जाएंगे उसे वह सीज कर सकता है और उसके लिए रिसीट भी आपको इशू करेगा। यह डॉक्यूमेंट वह तब तक अपने पास रख सकता है जब तक कि उसे ज़रूरत होती है प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग के लिए। इस सेक्शन के लिए जो प्रॉपर ऑफिसर है वो सुपरिटेंडेंट है एज पर CGST सर्कुलर नंबर 3/2017 GST। यदि आप GST इंस्पेक्शन सर्च और सीजर से रिलेटेड प्रोविजंस को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को रेफर कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम GST या फिर टैक्स रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप हमें इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं, लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुँचा पाएँ। टैक्सहील की टीम उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जिसकी वजह से कि हम लोग फ्री अपडेट आप सभी तक रेगुलरली पहुंचा सकते हैं। यदि आपने भी GST और टैक्स की न्यूज़ से कोई बेनिफिट लिया है तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, इसके लिए लिंक आपके टॉप
राइट हैंड कॉर्नर पे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ताकि हम लोग हाई क्वालिटी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें और जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लॉय कर सकें। जो नई जीएसटी की बुक्स मार्केट में आई हैं उन्हें रेफ़र करने के लिए आप हमारी वेबसाइट taxseal.com पर जा सकते हैं। बुक्स के अंदर न्यू रिलीज इन बुक स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं और इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। जो नई बुक्स मार्केट में आई हैं वह है जीएसटी रेडी रेकनर बाई V.S. डाटे रिवाइज्ड रीप्रिंट 6th edition अमेंडेड अप टू 3rd April 2018। इसी प्रकार ही गाइड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST ई-वे बिल बाय V.S. डाटे 2018 अमेंडेड अप टू 27th March 2018। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स कॉम्पेंडियम बाय डॉक्टर संजीव अग्रवाल। प्रैक्टिशनर गाइड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर GST। गाइड टू GST ऑन सर्विसेज HSN कोड वाइज टैक्सीबिलिटी ऑफ ऑल सर्विसेज। इसी प्रकार ही लर्निंग टेली ERP 9 विद GST।